हमने मंगा लिया दुनिया का सबसे अतरंगी फोन Nuvia Z60 Ultra। अभी मैंने एक दिन पहले देखा कि MWC में यही फोन शोकेस हो रहा है। Nuvia अपने फोन्स के साथ कुछ सुपर अतरंगी चीजें ट्राई करता रहता है, और वैसे ही Nuvia ने इस फोन में भी अतरंगी कारनामे करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भाई इसको ही देखो, 3D टाइप फील दे रहा है ये। उसके बाद ये वाओ। और इसमें क्या स्पेशल है ये देखने के लिए हमने इसको मंगाया है सीधा मोमोज की नगरी चाइना से, और अनबॉक्सिंग है बहुत ही ज्यादा इजी। ओहो ये भाई, ये ही इतना ज्यादा कारीगरी के साथ और इतना हार्ड बनाया गया, मैं भाई कितना स्ट्रॉन्ग है ये। सबसे पहले फोन साइड में रखते ही एक ओ सेक्शन है इसको। ओ भाई। यहाँ पे दो चार्जर हैं, दो ही केबल हैं। लिटरली भाई मैंने ऐसा किसी फोन के अंदर नहीं देखा, दो दो चार्जर, दो दो केबल कैसे? ये एक काफी नॉर्मल सा है। वहीं ये भाई इसको देखो कितना यूनिक बनाया गया है। भाई डिटेल्स दे रहे हो, डिटेल्स। इसकी कैपेसिटी है 80 वोल्ट की, वहीं इस वाइड वाले की कैपेसिटी है 65 वोल्ट की। लेकिन दोनों केबल मेरे को बिल्कुल सेम दिख रही है, टाइप C2C है, दोनों का एक्सेंट भी बिल्कुल सेम है। अरे भाई एक कवर भी दिया इन्होंने, ओए ओए ओए। भाई इसको बोलते हैं कवर, पर हवालों से खबर आई है भाई ये वाली एक पेंटिंग है, विंसेंट वैन गोग। उसके बाद ये एक सिम इंजेक्टर पिन, और उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंटेशन। आई एम प्रिटी श्योर इसमें हमको कुछ नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि ये बड़ी ही विचित्र लैंग्वेज में है हमारे लिए। और अनबॉक्सिंग डन, अब चलते हैं फोन के ऊपर। और ओए होए मुझे आ रहे होंगे ना देख के, भाई ये काफी भारी सा फील हो रहा है। मैंने इतने बड़े बड़े कैमरा बम्स लिटरली नहीं देखे हैं, अलग अलग सेपरेटली मैं बात कर रहा हूँ, वरना आईफोन का भी कैमरा बम काफी बड़ा है, लेकिन ये देखो इन्होंने अलग ही कर रखा है। ये एक 1 इंच का सेंसर है। पूरा बैक पैनल ऐसा लगता है कि जैसे कुछ ना कुछ 3D में ग्लो करवाया है अंदर। स्टेरी नाइट के नीचे ब्रांडिंग है, डिजाइन बाय Nuvia, ऊपर की तरफ Nuvia की ब्रांडिंग, नियो विजन। ओ भाई इसके ऊपर लिखा है ट्रिपल OIS, तीनों कैमरा के अंदर OIS है। और ये फिजिकल लेंसेज 18mm, 35mm और 85mm, मतलब ओवरऑल कैमरा फ्रेमिंग काफी बॉक्सी से फील होती है। और ये भाई सॉलिड मेटल है, लिटरली दांत तोड़ू चीज है। Nuvia के फोनों के और सारी चीजें सेकेंडरी, भाई इनकी जो कलर स्कीम होती है ना वो डेफिनेटली काफी कमाल की होती है। अब देखो कैमरा के ऊपर ये रेड रिंग है, साइड में जो पावर स्विच है वो भी रेड एक्सेंट का है, बाकी फोन नीले कलर का है। और ये नीचे बटन, ये एक स्लाइडर है जो बेसिकली इतना ज्यादा फास्ट है ना, अगर सोनी के फोन आपने देखे हो तो यहाँ पे एक बटन आता था डेडिकेटेडली, उससे आप कैमरा ऑफ ऑन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे स्लाइड करके ऐसे सट सट। गाइज कस्टमाइज हो चुका है ये, पहले इसमें हमने कैमरा कर रखा था, अभी हमने इसे फ्लैश कर रखा है, देखो कितना फास्ट है। आप इसको जैसे चाहो वैसे कस्टमाइज कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस आपको अंदर मिल जाते हैं। और इसको फ्रंट साइड से देखो आपको कुछ अनयूजुअल सा नजर आएगा, मतलब कोई चीज ऐसी जो हम हमेशा देखते हैं लेकिन इसके अंदर नहीं है, भाई सेल्फी कैमरा। और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है, थोड़ा आगे बात करें। इसके अंदर 6.8 इंचेस की एक सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले है। अब ये होती है, लेकिन स्टिल यहाँ पे ये बहुत ही बड़ी फील हो रही है, क्योंकि इसके अंदर वो कैमरा वाला कटआउट नहीं है। और मैंने एक चीज और नोटिस करी, यहाँ पे जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो देखो इसका एनिमेशन कितना कमाल का है भाई। डिस्प्ले बिल्कुल वैसी है जैसी एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले से आप क्वालिटी एक्सपेक्ट करोगे। साइड व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं, 1500 मैक्स निट्स ब्राइट है, जिसकी वजह से काफी अच्छी ब्राइटनेस आपको फील हो जाती है। तो ओवरऑल कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस है, बेजल छोटे हैं, साथ ही है ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स। और स्पीकर टेस्ट करते हैं हम अपने फेवरेट गाने के साथ। बेस नहीं है, बाकी सारी चीजें मतलब सॉर्टेड है, लाउड है ठीक है, लेकिन बेस नहीं है। क्योंकि ये Nuvia का बिल्कुल लेटेस्ट फोन है, और साथ ही में ये ब्रांड टारगेट करता है एकदम हार्डकोर गेमर्स को। अब गेमिंग ना हो तो उसके अलावा आई फिर मजा ही क्या। तो इसके अंदर है Qualcomm Snapdragon 8 Generation 3, हाँ वही प्रोसेसर जो 4nm की आर्किटेक्चर पे और 3.3 GHz क्लॉक्ड है। और जब हमने इसको टेस्ट किया तो ये ऑलमोस्ट 18 लाख निकल जाते हैं इसके अंतु बेंचमार्क स्कोर, और थ्रोटल ये बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि एक तो इतना मोटा फोन होने की वजह से ना हीट अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इवन इसको देखो ये सारा
का सारा ग्राफ ग्रीन है, 95% सीपीयू थ्रोटल टेस्ट। तो बीजीएमआई में स्मूथ में एक्सट्रीम ही हमको देखने को मिला, डेफिनेटली यहाँ पे 90 fps होना चाहिए था। बाकी आपको मैक्सिमम अल्ट्रा HDR ग्राफिक्स पे अल्ट्रा फ्रेम रेट मिल जाती है और इसके ऊपर आप खेलोगे तो आपको पता चलेगा भाई इसके एक तो हैप्टिक्स बहुत ही नेक्स्ट लेवल के हैं और फ्लैट फ्रेम्स हैं, जिसकी वजह से जो एक्सपीरियंस निकल के आता है ना वो बहुत ज्यादा अल्टीमेट है। इसमें बहुत लंबे गेमिंग सेशन में भी बिल्कुल भी फ्रेम ड्रॉप या फिर ऐसा कुछ देखने को मिलता ही नहीं है। इवन गेमिंग में आपको डायनेमिक रिफ्रेश रेट मिलता है, मतलब 60 से 120 हर्ट्ज के बीच में स्विच करता रहेगा और एक्सपीरियंस मस्त लगेगा, एट द सेम टाइम आपकी बैटरी को कंज्यूम होने से बचाएगा। बाकी इसके अंदर LPDDR5X बेस्ड रैम है और UFS 4.0 बेस्ड स्टोरेज है और ये मैं बता दूं बिल्कुल लेटेस्ट टाइप के हैं, जिसमें आपको रीड राइट स्पीड बहुत नेक्स्ट लेवल मिलती है और गेमिंग मल्टीटास्किंग जितना सब कुछ कर सकते हो सब में मजा आने वाला है, क्योंकि मार्केट में जितना भी लेटेस्ट सामान था सब इसके अंदर भरा गया है। इसमें हमने ये ऑलमोस्ट 5 GB की फाइल को ट्रांसफर किया, 17-18 सेकंड में इसने ट्रांसफर भी मार दी भाई। हमारे पास जो वेरियंट है वो 16 GB 512 GB है और 8 GB की वर्चुअल रैम भी मिलती है। बाकी अंदरूनी शक्तियों को मजबूत करने के लिए इसके अंदर है MIUI 14 बेस्ड ऑन Android 14। अब ये एक चाइनीज फोन है तो इसके अंदर बहुत सारे ब्लूटूथ ऑलरेडी मिलते हैं, इनको डेफिनेटली हटाया जा सकता है, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ऐसे अनइंस्टॉल। लेकिन इतने भारी फोन में एक्चुअली ये देना ही थोड़ा सा अजीब सा लगता है। गेमिंग फोन होने के बावजूद भी इसके अंदर कोई 3.5 mm का जैक नहीं है, IR ब्लास्टर आपको मिल जाता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 है जो भाई बिल्कुल लेटेस्ट है, वाईफाई 7 का सपोर्ट है और 13 5G के बैंड्स है। इवन हमने इसके ऊपर 5G टेस्ट भी कराया तो डेफिनेटली इसकी स्पीड्स भी अच्छे हैं। अब आते हैं इसके कैमरास पे। कहते हैं गेमिंग फोन में कभी भी कैमरास अच्छे नहीं होते हैं, चलो उनको भी देख लिया जाए। 50 MP का प्राइमरी सेंसर है, इसके अंदर 1 inch का सेंसर लगा हुआ है विद OIS, 64 MP का पेरिस्कोप लेंस है विद OIS एंड 50 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस है विद OIS एंड LED फ्लैश। प्राइमरी कैमरा से डेफिनेटली फोटोज काफी अच्छी हैं, थोड़े विविड कलर ये प्रोड्यूस करता है, हाँ मतलब जैसे ओप्पो वीवो के फोन होते हैं ना, थोड़ा उस टाइप की फोटोज आप मान सकते हो, लेकिन डिटेल्स रहती हैं। अब आपको एक बहुत कमाल की चीज बताता हूँ, नॉर्मल फोनों में जो 1x होता है वो 24 mm का होता है, लेकिन इस फोन में 35 mm का है। उसका फायदा क्या है कि जो हम आंखों से देखते हैं वो भी 35 mm से ही देखते हैं, आपको कम वाइड फील होंगी लेकिन आपको पोर्ट्रेट्स बहुत कमाल के मिल जाएंगे इससे। इसके साथ हमने पोर्ट्रेट्स भी ट्राई करे हैं, बिल्कुल मतलब उतना फ्लेक्सिबल वाली फील नहीं है, लेकिन हाँ क्लोज जा सकते हो, अगर आपको जो अपर मिड रेंज वाले होते हैं ना उस टाइप का आपको इसके अंदर एज ब्लर मिलता है। इवन अल्ट्रा वाइड में डायनेमिक रेंज भी अच्छी है, यहाँ पे इस फोटो को देखो इसने सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा है। वीडियोस में ये 4K 120 fps को भी सपोर्ट करता है भाई, और यही मैक्स 8K 30 fps तक जा सकता है, ये तो चलो बॉस फोनों में आ जाता है, लेकिन 4K 120 fps भाई ये बहुत कमाल की चीज है। फ्रंट कैमरा में सीधा 1080p 30 fps, वो भी इतना गंदा है ना भाई, मतलब यही एक डिसएडवांटेज है कि डिस्प्ले के अंदर कैमरा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। यहाँ पे इसको देखना कितना अच्छे से क्रिएट करता है, कैमरा है गायब, कैमरा है गायब, ये तो मस्त लग रहा है पर कैमरा यूजफुल ही नहीं है भाई, मतलब फोटोज नहीं ले सकते आप इसके कैमरा से। वो होता है ना ऐसे लैपटॉप में गूगल मीट कर पाओगे तो गूगल मीट ही कर पाओगे इससे। और पेरिस्कोप लेंस में 64 MP ऑल्दो इसके अंदर मिलता है, लेकिन मैक्स आप 30x तक जूम कर पाओगे, उससे ज्यादा जूम नहीं कर सकते। और पिक्चर क्वालिटी भी वो नहीं है कि मतलब तो भाई 30x तो बहुत ही कमाल आ जाएगा भाई। अब एक किसी भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन में सारी चीजें आपको मिल सकती हैं, लेकिन कभी भी 5000 या फिर उससे ऊपर बैटरी नहीं मिल सकती, तो यहाँ पे मिलती है आपको 6000 mAh की बैटरी और साथ ही 80 वोल्ट का फास्ट चार्जर, और वो भी एक एक नहीं दो दो भाई। बाकी इसके अंदर चार्जिंग सेपरेशन नाम का एक ऑप्शन है, जिसमें आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके फोन को इतना ही चार्ज होना है। लेट्स एग्जांपल आपने लिमिट लगा दी 70% तक ही बैटरी चार्ज होगी, उसके बाद चार्जिंग ऑफ हो जाएगी। ये फोन इंडियन प्राइस के हिसाब से अराउंड 60,000 rupees का फोन है, इसको हमने चाइना से ही मंगाया तो मैं इसको वापस चाइना लेके जा रहा हूँ। बाकी हमें काफी इंटरेस्टिंग सा लगा, क्योंकि कंपनी जब नया ट्राई करती है तो डेफिनेटली हाँ ऐसे खुशी तो होती है। बाकी दैट्स ऑल यार, ऐसी अतरंगी चीजें देखते रहनी है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले बार वीडियो में, तब तक के लिए।